नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंक्यूबेशन ट्रॉली में कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे पास अप्रोप्रिएट साइज का मास्क होना चाहिए। यदि हमारा पेशेंट अडल्ट मेल है तो हमारे पास 4 नंबर का मास्क, और यदि अडल्ट फीमेल है तो 3 नंबर का मास्क होना चाहिए। मास्क के साथ ही हमारे पास एक एल कनेक्टर होना चाहिए। इन डिवाइसेस की मदद से हम पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे, प्री ऑक्सीजनेट करेंगे। यदि प्री ऑक्सीजनेशन के दौरान कोई दिक्कत आती है, टंग फॉल होता है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास गुडल्स एयरवे होना चाहिए, और हमारे पास नेजोफेरेंजियल एयरवे भी अवेलेबल होना चाहिए। पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करने के बाद हमें जरूरत होती है लैरिंगोस्कोप की, जिसकी मदद से एनेस्थीजियोलॉजिस्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं और ट्रेकिया को और वोकल कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को वोकल कॉर्ड्स दिखाई देते हैं, तब चाहिए होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब। नॉर्मली हम पीवीसी की बनी एंडोट्रैकियल ट्यूब का यूज करते हैं। हमारे पास अप्रोप्रिएट साइज की एंडोट्रैकियल ट्यूब होनी चाहिए। यदि हमारा पेशेंट मेल अडल्ट है तो हमारे पास 8 और 8.5 की ट्यूब होनी चाहिए। यदि हमारा पेशेंट फीमेल है तो हमारे पास 7 और 7.5 साइज की ईटी ट्यूब अवेलेबल होनी चाहिए। यदि एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को इंट्यूबेट करते समय कोई दिक्कत आती है और वो इंट्यूबेट नहीं कर पाता, तो हमारे पास एक स्टीलेट होना चाहिए। इस स्टीलेट की मदद से हम इस ईटी ट्यूब की शेप को थोड़ा सा जे लाइक बना देते हैं, ताकि एनेस्थीजियोलॉजिस्ट इजीली ईटी ट्यूब को ट्रेकिया में पास कर सके। इस स्टीलेट का यूज करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए लिग्नोकेन जैली। कई बार एनेस्थीजियोलॉजिस्ट सीलेट की मदद से भी इंट्यूबेट नहीं कर पाते, उन सिनेरियोस के लिए हमारे पास गम इलास्टिक बूजी होनी चाहिए। ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के पेशेंट्स को इंट्यूबेट करते हैं। जब एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को सिर्फ वोकल कॉर्ड्स नजर आते हैं और वो ईटी ट्यूब पास नहीं कर पाते, तब सबसे पहले हम बूजी को ट्रैकिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे ईटी ट्यूब को इस बूजी के ऊपर स्लाइड करके पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया जाता है। जब ईटी ट्यूब हमारे ट्रैकिया में प्लेस कर दी जाती है, उसके बाद हमें चाहिए होती है एक 10 सीसी की सिरिंज, जिसकी मदद से हम ईटी ट्यूब के कफ को इन्फ्लेट करते हैं। ईटी ट्यूब कफ का प्रेशर चेक करने के लिए आइडियली हमारे पास होना चाहिए ईटी ट्यूब कफ मैनोमीटर, और इसका प्रेशर 20 से 30 सेंटीमीटर H2O होना चाहिए। इसके बाद हम कैपनोमीटर और ऑस्कल्टेशन के माध्यम से ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट जब कंफर्म कर लेते हैं, फिर हमारे पास एडहेसिव टेप अवेलेबल होना चाहिए या फिर एक बैंडेज, जिसकी मदद से हम ईटी ट्यूब को फिक्स या फिर टाई करते हैं। यदि कोई चीज पेशेंट के माउथ में गिर जाती है, उस चीज को उठाने के लिए या फिर थ्रॉट पैक करने के लिए, या फिर अगर हम नेजल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो ईटी ट्यूब को गाइड करने के लिए हमारे पास मैगिल फोर्सेप होनी चाहिए। इंट्यूबेशन के दौरान हमेशा एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं, इस वजह से हमारे पास अप्रोप्रिएट साइज का सक्शन कैथेटर अवेलेबल होना चाहिए और हमारी सक्शन मशीन चेक्ड होनी चाहिए। अडल्ट पेशेंट्स के लिए हम 14 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।